हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेचुरल बॉडी एस्थेटिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं नेचुरल बॉडी एस्थेटिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो है एक सप्लीमेंट के बारे में जिसको मैं सालों से यूज करता आ रहा हूं और इसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, चाहे वो फैट लॉस हो और चाहे फिर वो गेनिंग हो। और एक खासकर वीडियो उनके लिए भी है जो स्किनी गाइज हैं या फिर जो एक्टोमॉर्फ हैं जिनका वेट गेन इजिली नहीं हो पाता है, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज का जो सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की है। और सबसे पहले मैं मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज करता था, बहुत सालों से मैंने इसको यूज किया है। उसके बाद अब मैंने इस ब्रांड को चेंज करकर मैं नेचर्स क्रिएटिन में आ गया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। इन दोनों सप्लीमेंट्स में मैंने नेचर्स का क्रिएटिन इसलिए अब यूज करना स्टार्ट किया है और मसल ब्लेज को बंद कर दिया है, क्योंकि इसके तीन कारण है। पहला कारण ये है कि जो नेचर्स का क्रिएटिन है इसमें क्रिएटिन एससीएल और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। और मोनोहाइड्रेट का मतलब होता है कि ग्रैन्यूल्स को 200 छोटे भागों में तोड़ा जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लोटिंग नहीं होती है और अच्छे से जो ये क्रिएटिन है ये आपके मसल में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा कारण ये है कि जो नेचर्स का क्रिएटिन है ये आपके मसल्स में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसमें पहले से 20 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू अदर क्रिएटिन सप्लीमेंट्स जिनमें फास्ट एक्टिंग कार्ब्स नहीं होते हैं। और जो कार्ब्स होते हैं वो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं, और जब आप क्रिएटिन को फास्ट एक्टिंग कार्ब्स के साथ अपनी बॉडी में लेते हो तो जो क्रिएटिन होता है वो बहुत ही अच्छे से आपके मसल्स में एब्जॉर्ब होता है और जो क्रिएटिन का रिजल्ट है वो 30-35% दुगना हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्रिएटिन ये वाला नेचर्स का यूज कर रहा हूँ। और तीसरा कारण इसका ये है कि नेचर्स क्रिएटिन में आपको 15 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। इससे क्या होता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपके मसल्स को एनाबॉलिक स्टेट में रखते हैं और आपके मसल सेल्स को भी बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका मसल्स है वो कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं आते, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट है। और जो नेचर्स क्रिएटिन है इसके आपको जो एक स्कूप है वो 10 ग्राम का है, उसमें आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन एससीएल मिलता है, साथ ही में आपको 20 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्ब्स मिलते हैं और साथ ही में आपको 5 ग्राम अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और जो ये नेचर्स का क्रिएटिन सप्लीमेंट है इसको आप कभी भी ले सकते हो, चाहे आप वर्कआउट के पहले लो चाहे आप वर्कआउट के बाद लो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसको पोस्ट वर्कआउट में यूज करो। इससे क्या होगा कि आपका जो क्रिएटिन है वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। और साथ ही साथ उसका प्राइस है वो 1700 कुछ था पहले, लेकिन अब डिस्काउंट चल रहा है अमेजोन पे, तो आपको ये 1200 का मिल जाएगा प्रोडक्ट। और इसमें आपको टोटल जो सर्विंग्स है वो आपको 25 मिलेंगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्रिएटिन का सप्लीमेंट है। मैंने खुद पहले मसल ब्लेज का यूज करता था बहुत सालों से, उससे पहले मैंने सेल्टेक का यूज किया, बट अब मैं नेचर्स का क्रिएटिन प्रोडक्ट यूज करता हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो मेरे को बहुत ही अच्छी अब गेनिंग हो रही है। और जो लोग गेन करना चाहते हैं जिनका गेन नहीं होता है, अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेना चाहते हो तो आप मतलब आप उसकी जगह 5-6 वाइट एग्स खा सकते हो, लेकिन आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट जरूर यूज करना चाहिए अगर आप गेनिंग कर रहे हो तब भी, और अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तब भी आपको क्रिएटिन यूज करना चाहिए, ताकि जो आपका मसल साइज है वो गिरे नहीं, वो इंक्रीज हो और साथ ही साथ आपका फैट लॉस भी हो। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है अमेजोन का, आप वहां से जरूर बाय कर सकते हो। और जब आप इसको यूज करो तो मेरे को जरूर बताना फीडबैक कि आपकी बॉडी में कैसा ये सूट किया। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, बी हेल्दी एंड डोंट डू ड्रग्स।